हमारे सामने रहे पहला क्वेश्चन। इसमें देखा यदि x इक्वल टू 4/7 और y इक्वल टू -11/15 है तो ब्रैकेट में x प्लस वाई का व्युत्क्रम है, तो हमें व्युत्क्रम निकालना है इसमें से। तो मैं x प्लस वाई का मान रख सकता हूँ, ये x का मान है, ये y का मान है पूरा। तो मैंने ये सोल्व किया, तो ये जैसे सोल्व करते हैं तो इसमें 17/-17/105 ये सोल्व हो गया। लेकिन इसमें तो व्युत्क्रम पूछा गया हमसे, ये दे रखा है व्युत्क्रम पूछा गया है। तो मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ एक -105/17 ऐसे, लेकिन व्युत्क्रम मैंने वैसे लिख रखा है यहाँ पे खुद को समझने के लिए। तो ठीक है, माइनस ये आंसर आ गया इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, बहुत सिंपल है ये, बोर्ड मास के हिसाब से ही हो जाता है सोल्व। तो अगर हम ये क्वेश्चन है दे रखा है पूरा, तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे पूरी तरह से। लेकिन मैंने इसको ना ये क्वेश्चन को ऐसे कैसे ही थोड़ा सा सोल्व करके ऐसे लिख दिया नीचे की, ऐसे वन को वन पे लिख दिया भाग में, तो ये भी भाग में दे रखा है। लेकिन मैंने इसको सोल्व कर दिया इसको, ठीक है, 3 × 6 और 2 = 8, 8/3 ऐसे ही मैंने इसको सोल्व कर दिया यहाँ पे ऐसे ही। ये सोल्व करते करते यहाँ पे आ गया 2/8, ठीक है। लेकिन ये भाग में दे रखा है, तो मैं इसे अगर भाग में दे रखा है तो मैं इसे अगर सोल्व करूँगा तो ये 1/8/3 आ जाएगा नीचे। तो मैंने इसे उल्टा कर दिया, 1 × 3/8 प्लस में ऐसे ही मैंने इसको सोल्व कर दिया, इसको भी मैंने ऐसे यहाँ पे सोल्व कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/8 प्लस में 5/16 प्लस में 9/2, ओके। लेकिन मैं अगर इनको क्रॉस मल्टीपल करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, कुछ लेंथी भी हो जाएगा ये, तो हमें लेंथ ही नहीं बनाना, थोड़ा शॉर्ट ही बनाना है। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, 8, 16, 2, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम ले लिया मैंने 16, अगर मैं 16 को यहाँ पे रखूँ तो 8 से कट जाएगा ये 2 बार, 8 × 16 दो बार गया, 2 और 3 6, 6 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर मैं 16 को यहाँ पे लिखूँ तो 16 से 16 कट जाएगा तो 1 ही आएगा, 1 बचेगा, 5 × 5 यहाँ पे लिख दिया। तो मैं अगर 16 को यहाँ पे लिखूँ ऊपर तो 2 से काटूँ, 2 × 8 = 16, 8 बार कट जाएगा, 8 बार जाएगा तो 8 यहाँ पे बचेगा, 8 और 9, 8 नहीं 72 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओके। तो ये सबको कर दिया, तो मैंने सबको जोड़ दिया, 8, 6, 5, 11 और 72, 83/16। अगर ज़्यादा करके तो यहीं तक ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें एक जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें पॉइंटों में पूछ रखा था, उसमें जो क्वेश्चन पूछ रखा था आंसर पूछ रखा था वो पॉइंटों में पूछ रखा था। तो अगर पॉइंटों में करेंगे तो ऐसे ये आ जाएगा 5.1875, ठीक है। और ये पॉइंटों में ऐसे करते हैं कि 16 को भाग करते हैं, 16 को 83 को भाग करेंगे 16 से, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है ये बड़ी ब्रेकेट में दे रखा है, बड़ी ब्रेकेट में बाद फिर उसे छोटी ब्रेकेट में -3/4, छोटी ब्रैकेट में तो स्क्वायर में दे रखा 3, पावर दे रखी 4, और बड़ी ब्रैकेट के बाद पावर दे रखी 4, ठीक है, तो बराबर है। तो मुझे इसका मान निकालना है बस ओनली, ठीक है। जब पावर से पावर मल्टीपल होती है ना, पावर को पावर से अगर करेंगे तो मल्टीपल बन जाती है, मल्टीपल हो जाती है ऑटोमेटिकली। देखो ये रहा -3/4, 3 से और 3 और 4 को मैंने मल्टीपल करे तो ये 12 आ गया। तो मैंने इसका सिंबल दे रखा है a n² मल्टीपल में b m² इक्वल टू ab प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है, m + n। अगर मैंने एक ये दे रखा है a² × 3 इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, ये दोनों पावर पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसको सोल्व करते हैं। ये है ना माध्यम निकालना है हमें, माध्यम ये दे रखी है हमारे पास संख्या पूरी 29, ठीक है, x प्लस 1 33। तो ये क्वेश्चन ना हर बार ही पूछा जाता है, हर बार, और 90% हर बार ही आता है ये ऐसा क्वेश्चन, सेम टू सेम से ही आता है ज़्यादा करके ना, लेकिन हम इसे सोल्व करते हैं एक बार। ये दे रखा है प्रेक्षण, दे रखा है इसमें 29 x प्लस 1 33, 44 x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एंड 46 का माध्य दे रखा है, ये का ये माध्य दे रखा है 39 माध्य है। तब इन प्रक्षणों का माध्यक निकालना है, माध्यक होते हैं जो बीच का, अभी सोल्व करते हैं जब देखेंगे, ठीक है सोल्व करते हैं। ठीक है संख्या दे रखी है हमारे पास में ये 29 एक्स प्लस 1, ठीक है 33, 44 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 एंड और 46, ठीक है, और माध्य दे रखा है हमारे लिए। लेकिन माध्य को हम जानते हैं, माध्य जब निकालते हैं तो हमें ये पूरी जो संख्या दे रखी है उसके पूरी का योग बटे में जितनी संख्या दे रखी हो, ठीक है। तो मैंने ये माध्य निकालेंगे जब हम इसे, तो मैंने ये पहले लिख दिया, ठीक है, ये पूरी संख्या मैंने प्लस में लिख दी करके, नहीं ये लिख दी, लेकिन ये टोटली सात हो रही है, टोटली देख 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन में इज इक्वल टू माध्य हमें दे ही रखा है माध्य 39, ओके। तो मैंने यहाँ पे 39 हो गया, माध्य हो गया पूरा, ठीक है। जब इसे सोल्व करेंगे हम तो ये सात इधर चला जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी 3x प्लस 162। इसका पूरे का जो मान है ना यहाँ से यहाँ तक का 3x प्लस 162 इज इक्वल टू ये 7 है, एक ये से मल्टीपल हो जाएगा तो 273 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम इसे करेंगे 3x इज इक्वल टू 273 माइनस 162, हमने इस 62 को घटा दिया इसमें से, लेकिन 111 बचो 111, लेकिन 3 से जब हम इसे एक्स इज इक्वल टू 111 बट्टे में 3 तो काटेंगे तो 37 आंसर आ जाएगा इसको, एक्स इज इक्वल टू 37 देखो, ठीक है ये 37 आ गया। अब हमने एक्स का मान निकल गया, तो हमें जैसे एक्स में पहले दे रखा था एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6, तो हम उसके स्थान पर रख सकते हैं इसे जैसे, ठीक है। तो अगर हम उसे के स्थान पर रखें जैसे भी, तो 29 तुम्हारे पास पहले ही सही था, 37 हमारा x दे रखा है, प्लस में 1 था पहले, x प्लस 1 तेरा दे रखा था हमारे लिए ये, तो ये सही, मैंने सब ये मान रख दिया सबका, तो ये हो गया। ये देने के बाद में मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, जिसे हम आरोही क्रम लिखते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो माध्य निकालना होता है हमें इन सब का बीच का, जो बीच की जो संख्या होती है उसका माध्य निकालना होता है हमें। तो ये 7 है, 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, तो माध्य निकालना है तो हमें ये रही 7, ये बीच की है, ठीक है, तो माध्यम आ जाएगी ये, ओके। तो माध्य 40 आ गया इसका माध्यक, और माध्य की पूछा था उसमें। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है n इज इक्वल टू 7, क्योंकि टोटली संख्या हमारे पास हमें 7 दे रखी थी, ये और मैं अलग से सोल्व करने के हिसाब से, तो दे रखे, ठीक है, 7 दे रखी हमारे पास, तो हम इसे निकाल सकते हैं माध्यक, अगर हमें निकालें तो n इज इक्वल टू n प्लस में 1 बटे में 2, तो n हमारे पास 7 है, एक ये हो गया 8 बटे में 4 2, ठीक है काट दो 8/2, तो 4 बार कट देगा, तो हमें चौथी संख्या पूछी गई है अभी इसमें, चौथी संख्या यही है हमारे पास में, ठीक है। अब भी यही आ गया, जब भी यही आ गया, और ये क्वेश्चन 90% आता ही आता है,
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दे रखा है इसमें एक्स वाई और जेड की तीन प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि, ठीक है देखिए दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस में टू एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू शो। तो ये वाई का दे रखा है, ठीक है, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का है ये संख्या, ये दे रखी है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमें मान निकालना है इसका, वाई मल्टीपल जेड माइनस एक्स का मान निकालना है हमें। तो मैं बारी बारी से एक एक समीकरण ले सकता हूँ, एक एक इक्वेशन, इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, एक एक इक्वेशन ले सकता हूँ। तो हमने पहले इक्वेशन ये ले ली एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू शो। तो हमें पता है कि इसको अगर जब हम एक पूरी तरह से खोल रखा है, जैसे एक्स प्लस वाई ब्रेकेट में स्क्वेयर होता है तो उसे जब हम खोलते हैं तो ये पूरा है, ठीक है। तो हम इसे अगर सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन, इसका आंसर इतना आ रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने दूसरी रिएक्शन ले ली, इक्वेशन ले ली ये वाली। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, देखो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y plus z इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब हमारे पास तीसरी इक्वेशन दे रखी है ये वाली बड़ी वाली बहुत, है ना। तो अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे, ये दे रखी है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे जब इसे, तो ये 200, ये 400 है, जो 400 है 20 का स्क्वायर होता है, और ये 256 है ये 16 का स्क्वायर होता है, सबको पता है ना। अगर हम इसे जब सोल्व करेंगे ऐसे ही, तो ये आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 20, इन तीनों का मान आ गया 20, और जबकि हमारे पास एक्स प्लस वाई का मान दे रखा है 10। तो मुझे ये एक्स का वाई का और जेड का तीनों का मान निकालना है, जब भी मैं उस रिएक्शन, जब भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई का मान अगर हमें 10 दे रखा है, तो हम इसे यहाँ पे सोल्व कर रखा है, देख रहा हूँ यहाँ पे 10 रख दिया क्योंकि इसका मान 10 है। तो अगर 10 को 20 में से घटाएंगे तो वाई इजक्वल टू 10 बचेगा, जेड इजक्वल टू 10 बचेगा। जब जेड का मान अगर 10 आ रहा है, जब जेड का ही मान 10 आ रहा है, तो वाई प्लस जेड इजक्वल टू 16। तो अगर इसमें अगर ये वाई, जब जेड 10 है तो यहाँ पे भी है, तो मैं जेड का अगर 10 निकाल दूँ तो वाई इजक्वल टू 16, 6 बचेगा यहाँ पे, 6 बचेंगे ओनली। जब वाई 6 बचेगा यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई है तो इजक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे 4 बचेंगे, है ना। सोल ये देगा, ये जेड का माना गया, ये वाई का माना गया, ये एक्स एक्स का माना गया, ठीक है। हमें ये सोल्व करना है, ये वाई मल्टीपल जेड माइनस एक्स। तो वाई का मान कितना हमारे पास 6 है, मल्टीपल जेड हमारे पास हमने 10 आया था, माइनस 4, एक्स का मान 4 आया था, बराबर 10 और 6 60 माइनस 4 यानी कि 56 आंसर आ जाएगा इसका, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, तो इसमें ना एक ऑप्शन दे रखे थे कई, लेकिन मैंने उनको ऑप्शनों को लिखा नहीं है, मैंने उन ऑप्शनों को लिखा नहीं है, लेकिन तो ये हमें दे रखा है 2x माइनस 7 बटे में 2 इक्वल टू माइनस 4.5 के हल से संतुष्ट होता है। तो इसमें ना ऑप्शन दे रखा था 4, उसमें अलग अलग दे रखा था, तो मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ। तो मैंने इसे सोल्व, अगर हम इसे सोल्व करते हैं 2x माइनस 4.7 बटे में 2 इक्वल टू माइनस 4.5, ठीक है। तो 2 को मैं यहाँ से, 2 इधर चला जाएगा मल्टीपल होने के लिए, 2 को अगर मैं इससे मल्टीपल करूं तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस
9, इसको मल्टीपल करेंगे ना, 4.5 है ये, 4.5 और 4.5 9 ही होते हैं, फिर से पॉइंटों में हटाएंगे जब भी इतनी जाएगा। तो ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये बचे, तो ये 7 माइनस का है, ये 7 जो हमें दे रखा था यहाँ पे, ये 7 इधर गया तो माइनस प्लस का हो गया, तो माइनस के 9 और प्लस के 7, ठीक है, तो माइनस के 2 बचे, 2x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, तो मैं 2 से 2 काट सकता हूँ, मैंने ये अदर के अदर काट दिया, नहीं इसे x इज इक्वल टू करके नहीं, माइनस 2/2, ऐसे सोल्व भी करते हैं कभी कभी, मैंने इसे डायरेक्ट काट दिया ऐसे कैसे, तो x का मान आ गया ये, ओके आ गया ना, देख x का मान आ गया ये, वैसे ऑप्शन में ऑप्शन दे रखे थे इनके अलग अलग, उनको सोल्व करना था, पर सोल्व तो ये भी करना था, ये सोल्व होगा जब ये, तो उस ऑप्शन के हिसाब से हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें ये आ जाए वो, क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ब्रैकेट में 4xy³ + 24xy² - 64xy ब्रैकेट में बटे में ये दे रखा है बराबर है, तो ये किसके बराबर है, ये सोल्व करना है बस, खाली ओनली कुछ भी नहीं करना, तो मैंने इसे ना डायरेक्ट सोल्व कर दिया यहाँ पे, ये मैंने लिखा नहीं है सोल्व में, ठीक है, ये लिख भी सकते हैं, नहीं डायरेक्ट कर दिया मैंने, खोल दिया मैंने इसे, ओके देखो मैंने इसे 4xy ब्रैकेट में से बाहर निकाले, कॉमन निकाल ली इसे, तो अंदर रह गया y² + 6y - 16 ब्रैकेट में, ठीक है, बटे में ये नीचे गया, तो यहाँ पे भी निकाल दिया मैंने 2x, मैंने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट में xy + 8 रख दिया, तो x से x कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 गया, तो 2 बार चला जाएगा बराबर, तो ये बचा 2y ब्रैकेट में y² + 8y माइनस, मैंने ये सोल्व कर दिया, सॉरी ये जो अभी अंदर की जो ये समीकरण थी ना, रिएक्शन थी, एक से इक्वेशन थी, मैंने इसको ही सोल्व कर, फिर इसको सोल्व कर दिया, इसको सोल्व, ठीक है, जैसे रूट निकालते हैं हम, 10th में एक है द्विघाती समीकरण शायद ऐसे कुछ यूनिट है, उसमें रूट निकालते हैं ना, ऐसे मैंने इसका रूट निकाल दिया, मतलब 2 भागों में बांट इसे, ठीक है, 2y, तो मैंने इसे 2 भागों में इसको सोल्व किया, तो y + 8 एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में y - 2, ठीक है, तो नीचे था ही y + 8, देखो सॉरी यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको खोल दिया, खोल के नहीं, इससे ये कैंसिल हो गया 6 में, तो कैंसिल हो गया, बचे क्या 2y, ये बचा, ओके चलो आंसर ये लगा लो, चलो ये लगा लो, फिर इसे ब्रैकेट को खोलोगे नहीं तो, जब तो ये अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुफलक के शीर्षों, फलकों और किनारों की संख्या क्रमशः 10x और 15 है, तब ये मान निकालना है हमने, 3x - 8 का मान निकालना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मादे की तरह ये भी आता ही आता है, मैंने जो भी देखा है अभी तक कई प्रीवियस देखे हैं क्वेश्चन पेपर, तो उनमें ये क्वेश्चन आता ही आता है, मान के चलो ये 90% ही आता है, ठीक है, तो इसमें दे रखा है हमें शीर्ष, शीर्ष को हम V से डिनोट करते हैं, हमें शीर्ष दे रखा है 10, फल को हम कर सकते हैं F से करते हैं, F दे रखा है हमें X, के किनारा है, ठीक है, कि किनारों को करते हैं E से डिनोट, ठीक है, तो 15 दे रखा है, देखो ठीक है 15,
तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है भूफलक के, यूलर भूफलक के नहीं पूछते बट यूलर का फॉर्मूला जरूर पूछ लेता है वो कभी कभी क्वेश्चन है। तो यूलर, ये यूलर का फॉर्मूला, यूलर का फॉर्मूला ये है, वाई प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस टू प्लस टू। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करेंगे, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 प्लस 2। तो मैंने सोच लिया ये 15 आ गया, यहाँ पे ये 15 हो गया, ये एक्स है, मैंने एक्स लिख दिया 17 बटे में 17 माइनस में 10, ये 10 मैंने इधर निकाल दिया ना, ये प्लस का था घटा दिया, तो एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स का मान आ गया 7 हमें, लेकिन हमें तो सोल्व कर निकालना ही है 3x-8। ठीक है, अगर मैं इसे ये सोल्व करना है, 3 हमारे पास है, x का मान दे रखा है हमें 7-8, 7 21, 21-8 तो 13 बचे, 13 का ये 13। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बने उस तिर्यक के एक ही और के दो अंत कोणों का अनुपात 2:7 है, यदि इनमें बड़ा कोण वाई है तो 3y-40° का मान है। ओके, तो ये निकालना है हमें, तो मैं इसमें रखा मैंने छोटा कोण 2y, बड़ा कोण 7y, ठीक है, तो ये अनुपात में रेशियो में दे रखा है हमारे लिए, तो 2y+7y इज इक्वल टू 180, इसलिए क्योंकि जब तिर्यक कोण जब निकालते हैं तो हमें एक त्रिभुज बनानी पड़ती है, ऐसे एक परपेंडिकुलर दे देते हैं, तो जो ये साइड की जो होती है ना यहाँ पे, ये त्रियक होती है, त्रियक। ठीक है, तो त्रिभुज का जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी 180 होता है, तो त्रिभुज में ही त्रिभुज जैसा ही बन जाता है वो, सही। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो, तो इसको सोल्व करते हैं। ओके, 2y+7y 9y इज इक्वल टू 180। ठीक है, 9 से गया, 9 से इसे काट दूंगा तो ये 20 बार चला जाएगा, वाई इज इक्वल टू 20 हो गया, लेकिन पूछा क्या है मेरे पास, बड़ा कोण पूछा है उसने, ये दे रखा है उसमें, यदि इनमें से बड़ा कोण वाई है तो बड़ा कोण ही पूछा है, तो वाई इज इक्वल टू 20 हो गया, तो बड़ा कोण अगर मैं इसे निकालूँ, देखो तो इसमें रखना है हमने, ये पूछा है, ये सोल्व करनी है हमें 3y-, ठीक है, 40°, तो 3 तो यही वाई इज इक्वल टू, अगर मैं इसे बड़ा कोण निकालना है, बड़ा कोण में 7 है तो 7×20 करूँगा तो 140° हो जाएगी, बड़ा कोण ये दे रखा है, बड़ा कोण ये दे रखा है, तो बड़ा कोण वाई है, तो वाई का मान हमें 140 हो गया क्योंकि ये छोल गया। ठीक है, 140 तो -40°, तो ये डिग्री में है, सॉरी पेन पता नहीं चल नहीं रहा, क्या मसला हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा 420-40°, तो ये 380° बचेगा टोटली, तो ये कौन, ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि कोण AOB इज इक्वल टू 70°, कोण DAC 32°, और कोण DBC इज इक्वल टू Y है तो 2y+15 का मान है, तो ये निकालने में, लेकिन समांतर चतुर्भुज का जो क्वेश्चन है वो सीटेट में भी आई थिंक 90% आता ही आता है, ऐसा भी नहीं है नहीं आता, बट हाँ आता सही है मैंने जहाँ तक भी देख रहा हूँ। ओके, तो हम सोल्व करते हैं, देखो ठीक है,
पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज में हमेशा एक ऐसे बनती है, ये बनती जैसे ऐसे थोड़ी टेढ़ी तिरछी सी बनती है, ठीक है। तो कोण दे रखा है हमारे पास, ए कोण दे रखा है 32, ए कहाँ पे, ए दे रखा है ना हमारे पास 32, ये रहा ए कोण, ये 32 दे दिया समचतुर्भुज ए बी सी डी बना, ए कोण 32, ये ओ है, तो ओ पे ओ 70 डिग्री का दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखा है ए ओ बी, ए ओ बी 70 डिग्री का दे दिया। तो निकालना क्या है हमें, बी निकालना है ओनली, ये निकालना है ना, बी का कोण निकालना है, बी हमें वाई दे रखा है जो, इसका कोण हमें निकालना है, ओके। तो हमें बी का कोण निकालना है, ओके। देखो अगर ये 117 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें पता है कि आधा जो सर्कल होता है उसका जो होता है 180 होता है, यानी कि ये पूरा 180 है यहाँ से यहाँ तक, 180, 180 में से 70 दे रखा है, तो ये कितना होगा, ये 110 बचा हमारे पास, ठीक है। तो हमने शून कर लिया, देखिए यहाँ पे ऐसी पर बना कोण 180 का, 180 डिग्री का, ठीक है, ए सी ए और सी, ये मैंने लिख दिया है वैसे, ठीक है। तो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, लेकिन 70 हमें दे रखा है पहले ही, तो 110 का तो ये कोण हो गया, ठीक है, बी ओ सी, बी ओ सी 170 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अगर बी ओ सी 170 का है, बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी, बी ओ सी जितना ये है, ए ओ डी इतना ये है, बराबर है, तो ये भी 110 का ही हो गया, ये कोण भी बराबर, ए ओ डी, ए ओ डी ये भी 110 का ही हो गया। जब अगर ये 110 का हो गया, डी ए सी इज इक्वल टू डी बी सी, देखो ए ओ बी 110 का हो गया, तो डी ए सी, ए ए का कोण निकालना है और बी का कोण निकालना है, जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों बराबर है भाई, जब ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो फिर ये कोण और बी का कोण ये बराबर है, तो जब ये बराबर हैं तो बी का बाई वाई इज इक्वल टू 32 रख सकते हो, वाई इज इक्वल टू 32 सीधे से को आ गया वो, ठीक है 32 डिग्री, लेकिन हमें सोल्व करके क्या करना है, वाई 2y प्लस में 15 ये हमें निकालना है टोटली, ये निकालना है, तो हमें दो तो हमारे पास है ही, प्लस में मल्टीपल में वाई का मान हमें दे रखा है 32 डिग्री, 32 यहाँ पे प्लस में 15, ठीक है 32 दूनी 64 और प्लस में 15 79, ये आंसर आ गया इसका बराबर। अगर इसमें वाई वाई का अगर पूछा जाता, वाई वाई का भाई बी का कोण निकाले या वाई का कोण निकाले, तो 32 डिग्री आता हमारे पास जब, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तब न तो एक बादशाह और न ही एक काला कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता है, तो हमें से प्रायिकता निकालनी है, तो जिस समय दे रखिए टोटल कार्ड, यानी कि टोटल एक जो ताश होते हैं जिसको हम जुआ खेल बोलते हैं, जुआ में वो ताश होते हैं ना जिनको बांटते हैं, तो उसमें उस वो होते हैं टोटल 52, तीन उसमें अलग से होते हैं जोकर जाकर उनको नहीं गिनते, लेकिन 52 ताश होते हैं जिनसे खेलते हैं, ठीक है, उसमें ब्लैक कार्ड होते हैं जो ब्लैक पत्ते होते हैं, एक तो होते हैं हुकुम उसमें ब्लैक होते हैं, एक होते हैं चिड़ी के ब्लैक होते हैं, और हुकुम के भी तेरे होते हैं उसमें, चिड़ी के भी तेरे होते हैं, ईंट के भी तेरे पत्ते होते हैं, और पान के भी तेरे होते हैं, तेरे चौक के 52 पत्ते होते हैं टोटली बराबर, हुकुम के तेरे हो गए, चिड़ी के तेरे हो गए, और ये तेरे एक से ले गए बादशाह तक होते हैं,
गुल्लू बेगम बादशाह, ठीक है, गुल्लू मैंने 11, बेगम मैंने 12, बादशाह मैंने 13, बराबर। तो ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक 26 हो गया मेरे पास पूरा, लेकिन टोटल बादशाह गड्डी में जो टोटल बादशाह होते हैं वो होते हैं 4, ईंट, पान, हुक्म और चिड़ी, ठीक है। देख, हुक्म किंग बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, चिड़ी, ईंट और पान, 4 पत्ते होते हैं बादशाह के, ठीक है। तो दो तो आगे इसमें से हुक्म और चिड़ी के तो ले लिए हमने पहले, हुक्म में चले गए और एक चिड़ी में चले गए, तो बचे कितने, 2 बचे यहाँ पे ईंट और पान के, ईंट और पान के और जोड़ दो, 26 और 2 28, देखो टोटल पत्ते कितने हो गए हमारे पास, देखो 26, तो हुक्म और चिड़ी के हो गए हमारे पास ब्लैक, 2 और आ गए ईंट, एक तो ईंट का बादशाह आ गया, एक पान का बादशाह आ गया, ठीक है, तो 28 हो गए टोटली, ठीक है। तो प्रायिकता होती है आने वाले संख्या कितनी संख्या है, मतलब आई है, बटे में टोटल, ठीक है, 28 बटे में 52, ओके। तो मैं इसे 3 से काट सकता हूँ, अगर मैं इसे 3 से काट दूँ तो ये 7 बार कट जाएगा, ये 13 बार कट जाएगा, ठीक है, 7/13, ये इसका आंसर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप, ये परिमाप 72 सेंटीमीटर है तथा उसकी एक भुजा कर्ण के अतिरिक्त की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। लेकिन अब हमें यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, उसमें पूछा गया समकोण त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाई है ऐसी छोटी सी, समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो, ये याद रखना हमेशा, समकोण में हमेशा 90 का कोण बनाएगी, ठीक है। और उसमें पूछी गई है करण के अतिरिक्त एक भुजा दे रखी है जो करण नहीं है, करण से अलग है, तो हम उसे करण के अतिरिक्त, और इसका पूरा का परिमाप दे रखा है 3 भुजा, 1 2 3, तीनों का परिमाप है 72, ये रहा परिमाप 72 दे रखा है इसका, लेकिन करण से अलग एक भुजा हमें दे रखी है, तो हम उसे 18 सेंटीमीटर है, वो जो दे रखी है ना भुजा, वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है करण से अलग, तो मैं इसे आधार मान सकता हूँ, आधार मान लूँ या लंबाई मान लूँ, एक ही है अब तो, ठीक है। एक त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तीनों भुजाओं का जो परिमाप है, परिमाप लंबाई है जो है उसकी 72 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, अगर 18 सेंटीमीटर में इसे आधार भी मान लूँ तो बची कितनी, 72 में से 18 गई तो 54 में से ये इधर आ गई, 54 को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि करण जो होगा वो लंबाई प्लस आधार, ये दोनों संख्या बराबर में करण होती है, तो करण इसमें मैंने 54 में से 24 इधर कर दी, 24 को मैंने लंबाई मान लिया, तो इसमें से 30 को करण मान लिया। देखो अगर मैं 30 का स्क्वायर करूँ तो 900 हो जाएगा, ठीक है, और 24 का स्क्वायर प्लस में 18 का स्क्वायर इक्वल टू 900 होगा, इन दोनों का स्क्वायर 900 ही होगा, तो बराबर, ठीक है। तो परिमाप 72 सेंटीमीटर हो गया, ओके। अगर जब ये दे रखा है, जब मेरे पास मुझे ये समीकरण मिल गई, लंबाई आधार दे रखी है, मैंने लंबाई और निकाल दी, ठीक है, तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। देखो परिमाप देख लो, परिमाप 18 प्लस में 24 प्लस में 30 72 होगा, 72 परिमाप दे ही रखा था उसने क्वेश्चन में, ठीक है, तो त्रिभुज निकाल सकता हूँ मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकाल सकता हूँ, 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीपल लंबाई मल्टीपल आधार, ठीक है, 1/2 लंबाई 24 सेंटीमीटर है मल्टीपल 18 आधार 18 दे रखा है,
ओके, तो 2 6 8 दूंगा मिशन 9 बार, 9 24 मल्टीपल 9, 216 सेंटीमीटर स्क्वेयर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया। ओके, और ये ना क्वेश्चन आई थिंक आता है, स्टेट में भी पूछा गया है शायद ये क्वेश्चन, पर ये आता है सी टेट में, तो आई थिंक मेरे हिसाब से। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पता नहीं यार की दिक्कत हो तो एल मल्टीपल बी 120, बी मल्टीपल एच 60, एच मल्टीपल एल 72, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना हमें, तो ये अगर हम इसे करेंगे सोल्व, 2 बाहर आ जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो 2 यहाँ पे, एल बी 120 दे रखी है हमारे पास, प्लस में बी एच 60 है, प्लस में एच एल 72 है, तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 200 504 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, देखो ये अंदर ही अंदर 252 हो जाएगा, मल्टीपल 2 504। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान आधार पर स्थित हैं। एक त्रिभुज दे रखा है और एक समान चतुर्भुज, समांतर त्रिभुज होता है थोड़ी सी जो टेढ़ी जो रेखा होती है, ठीक है। तो उसका जो बेस दे रखा है वो समान दे रखा है दोनों का 50 सेंटीमीटर, तथा क्षेत्रफल में बराबर है, और वो दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं। यदि उस त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाई, अन्य त्रिभुज की एक भुजा तो समान दे रखी है, तो 2 बची, तो दोनों की दे रखी है 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, तो आधार 50 सेंटीमीटर के संगत समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है, ठीक है। तो ये एज ए स्टूडेंट होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि शायद ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बहुत टफ भी है और लेंथ ही बढ़ेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टफ क्वेश्चन महसूस होता है ये, बाकी तो सब अपना अपना और। ओके देखो, ये सम चतुर्भुज बना दिया मैंने एक बार ऐसे, ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ए एफ डी एफ। ओके, तो मुझे डी एफ ही निकालनी है वैसे तो इसमें, जो ये त्रिभुज है ना ए बी ई, इसका क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दोनों के समान है, लेकिन इसमें त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का जो बेस, दोनों का जो बेस है वो सेम दे रखी है, और त्रिभुज की 2 रेखाएं, ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 48 सेंटीमीटर बी और ई 48 सेंटीमीटर है। तो देखिए शोर करते हैं, ठीक है, आधार ए बी 50
50 सेंटीमीटर, दोनों का सेम है। बी ई 48 सेंटीमीटर, बी त्रिभुज की एक रेखा, बी और ई 48 सेंटीमीटर है, और ए और ई, ठीक है। ये दे दी, ये मैंने ए मान ली, ये मैंने सी मान ली, ये मैंने बी मान ली, ओके। डी एफ निकाल ली मुझे, ये समांतर चतुर्भुज की जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, परपेंडिकुलर जो ये ऊंचाई है, ये मां ये निकालनी है इसका लिए, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप, अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता तो जब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता, क्योंकि जब भी हमें अब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा, लेकिन अब ये तो त्रिभुज थोड़ी टेढ़ी है, समकोण नहीं है, तो हम इसका पहले परिमाप निकाल लेते हैं। देखो त्रिभुज का परिमाप 50 + 14 + 48 / 2, ठीक है, 112/2 इज इक्वल टू, ये काट दूंगा तो ये 56 हो जाएगा, तो ये एस से डिनोट कर देते हैं हम इसे। जब ये एस से आ जाएगा तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें, ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये इससे निकलेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं है, तो हम इससे निकालेंगे, तो हम इसे ना हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला, और ये हीरोज फॉर्मूला सीटेट में कभी कभी पूछ भी लेते हैं इसे, इस फॉर्मूला को ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, हीरोज फॉर्मूला को, क्योंकि इसको कभी कभी सीटेट वाले पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ऐसे हमारे पास 56 ये फॉर्मूला, ए हमने दे रखे 50, बी 14 सेंटीमीटर, सी 48 सेंटीमीटर, ये दे रखे, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा इनको, जब मैं इसको पुट कर दूंगा तो ये शोल हो जाएगा ऐसा, ओके ओके। देखो मैं इसे शोल कर दूँ, इसको जब सोल्व करेंगे 56 × 6 × 42 × 8, तो मैं इसको ना खोल दूँ, नहीं अगर मैं इसे बारी बारी से अगर मैं इसे मल्टीपल करूं, सबको मैं गुणा करूं, तो ये बहुत लंबी एक गुणा बन जाएगी, जो गुणा करने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये है ना 56 को मैंने यहाँ खोल दिया, 7 × 8 6 है तो मैंने 6 लिख दिया, ये 42 को कर दिया मैंने 6 × 7, ठीक है, 8 के 8 है, तो मेरे पास 2 8 है, 2 7 है, 2 6 है, तो स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर से ये स्क्वेयर कट जाएगा, स्क्वेयर से ब्रेक अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। जब ये कट जाएगा तो 7 × 8 × 6 ये बचेगा, बराबर। जब हम इसको मल्टीपल करेंगे, देखो जैसे मल्टीपल करेंगे हम इन तीनों को, 336 आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, बेस हमें दे ही रखा है, हाइट हमें निकालनी है ओनली, भाई जब ही तो निकलेगा ना, तो इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 336, h × 50 बेस दे रखा है, तो ये 336, ये 50 को अगर मैं यहाँ 50 को मैं बटे में करूँगा तो 168, h = 168/25, ठीक है। तो ये कट जाएगी, 336/50, 2 से काटूँगा तो ये 168 बार चला जाएगा, ये 25 बार चला जाएगा, तो ये स्केयर में नहीं आएगा, छोड़ी बस इतना है, इतना है, क्योंकि ये भाग में है, ये भाग में है, स्केयर में अगर ये जब आता जब ये मल्टीपल में होती सब, तो ये अंश इतना हो गया, ओके। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।